ना लायक, मुझे ऑर्डर देता है। मैं ऑर्डर नहीं, आपको सजेशन दे रहा था। मैं बेवकूफ, मेरे को सजेशन देता है। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 5G स्मार्टफोन्स अंडर 25,000। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पहला वॉइस ओवर है, तो मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और हाँ, आज पहली बार वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो टॉप 5 पे फ़ोन आता है मोटो जी 5G। तो इस पिक्चर में आप इसकी सारी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इस फ़ोन की दो ख़राब बातें हैं कि एक तो इसमें IPS LCD डिस्प्ले आएगी और इसमें बैक साइड पर फिंगरप्रिंट मिलता है, ना कि कोई साइड माउंटेड दिया गया है, ना ही कोई इन डिस्प्ले सेंसर दिया गया है। तो हमारे चौथे नंबर पर जो फ़ोन आता है उसका नाम है ओप्पो F19 Pro Plus 5। मैंने इस डिवाइस को फोर्थ नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, वरना ये डिवाइस बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पर जो फ़ोन आता है उसका नाम है MI 10i 5G। ये बहुत ही तगड़ा फ़ोन है पर इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए मैंने इसे तीसरे नंबर पर रखा है। तो दूसरे नंबर पर जो फ़ोन आता है उसका नाम है Realme X7 Pro 5G। ये फ़ोन बहुत ही तगड़ा फ़ोन है, मेरी तरफ़ से इसके लिए एक बिग थम्स अप। आप इसकी वीडियो में इसकी सारी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my... तो टॉप 1 पर जो फोन आता है उसका नाम है Realme Narzo 30 Pro। ये बहुत ही तगड़ा डिवाइस है क्योंकि इसका प्राइस सिर्फ 70,000 है, जो ये पहला ऐसा डिवाइस है जो इतने कम पैसे में इतने को कुछ दे रहा है। Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?